इंदौर प्रवास पर आई पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि प्रदेश सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में प्रदेश में भी सभी के लिए समान कानून लागू होगा। आपको बता दें कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी राज्य मंत्री कृष्णा गौर के अधीन है। ऐसे में वे पहले भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के संकेत दे चुकी है। इससे पहले उन्होंने ग्वालियर में कहा था कि यूसीसी के मुद्दे पर राज्य सरकार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में प्रदेश सरकार भी इसे लागू करने की दिशा में काम कर रही है। वहीं छात्रावासों के औचक निरीक्षण को लेकर उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान छात्रों से भी संवाद किया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं व छात्रावासों की कमियों को दूर किया जा सके। गौरतलब है कि श्रीमती गौर पहले भी ओबीसी विभाग के हॉस्टलों का इस तरह औचक निरीक्षण करती रही है। हाँ जी, हाँ जी, आज इंदौर प्रवास के दौरान तय किया कि औचक निरीक्षण करेंगे। हमारे ओबीसी विभाग का गर्ल्स पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है जो 500 सीटर है जी। और उसी का औचक निरीक्षण करने हम जा रहे हैं। वहाँ की व्यवस्थाएँ क्या हैं, क्या कमियाँ हैं, बच्चों की क्या सरकार से और रिक्वायरमेंट है, ये सारा संवाद हम अभी बच्चों से करेंगे। महू में और इंदौर दोनों जगह निरीक्षण है। महू में तो मेरा एक कार्यक्रम है, वीर नारी सम्मान समारोह है, उसमें मैं भाग लूँगी। लेकिन इंदौर में मैं छात्रावासों का निरीक्षण करने जा रही हूँ, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। मैम, प्रदेश सरकार यूसीसी को लेकर क्या तैयारी कर रही है? निश्चित रूप से केंद्र सरकार का ये संकल्प है कि पूरे देश भर में यूसीसी लागू करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार भी तैयारी कर रही है, आने वाले समय में उसको लागू करेगी। जारी है।